बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, आज मुल्क में और ख़ासकर कराची और पेशावर में जहां आर्मी चीफ जनरल लाहिर शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मुतालबे के हवाले से लोगों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं, ये समझा जा रहा है कि आर्मी चीफ चले जाएंगे तो हमारे मसाइल का हल कौन निकालेगा, खासकर दहशतगर्दी की जंग जो कि ज़रब अज़ब की सूरत में हमें फ़ौज की तरफ से शुरू होती नज़र आई, उसमें हमारे सिविलियन इदारों से, हमारी हुकूमतों से भी सवाल किए गए। आपको याद होगा ये SPR की वो प्रेस रिलीज़ जिसमें गुड गवर्नेंस की बात की गई कि गवर्नेंस कहाँ है, सिविलियन इदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। और यही सवालात जब सियासतदानों की तरफ से उठना शुरू हुए कि नेशनल एक्शन प्लान पर किस हद तक अमल दरामद नज़र आया है या हुआ है, उस हवाले से तफसील बताई जाए या पार्लियामान को आगाह किया जाए, अवाम को एतमाद में लिया जाए, तो हमें यह नजर आया कि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ही एक अलग महाज खोल लिया। इस मुल्क के वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ये कहते हैं, जिसका दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बारहा किया जाता रहा कि मुकमुका है, तो शायद वो डील या वो मुआहदा वो खुद ही चौधरी निसार उसका जिक्र भी कर गए। लेकिन आज बुनियादी सवाल हम यहां प्रोग्राम में ये उठाने की कोशिश करेंगे कि जब बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं जिस पर हमारी सूबाई हुकूमतों को भी और वफाकी हुकूमत को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो ऐसे में क्या ये आपस में एक महाज खड़ा कर देना अवाम को असल इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट करने की एक कोशिश की जा रही है, जैसे कि बार बार कहा जाता है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हैं नहीं, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए मीडिया की जीनत ज़रूर बनते हैं हर आए दूसरे रोज़। तो इस हवाले से भी बात करेंगे, और ख़ासकर उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी जो वो मामला है और उसके बाद उसके इंकशाफात हमारे सामने जो आ रहे हैं, जो इत्तलात हम तक पहुंच रही हैं, इसके बाद क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहना कि PMLN रिएक्शनरी हो रही है और हमें चौधरी निसार के खिलाफ बयानात देने की सजा दी जा रही है, ये दुरुस्त होगा, और क्या उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद इसमें मजीद सियासी रहनुमाओं और कुछ बड़ी सियासी शख्सियात के नाम भी आ सकते हैं, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे पास आज तीन सीनियर एनालिस्ट, तीन सीनियर सहाफ़ी हजरात मौजूद हैं। लाहौर में मेरे साथ हैं एजाज हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। एडिटर जंग ग्रुप हैं, और मज़हर अब्बास साहब भी सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज हैदर साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये जो PMLN और पीपल्स पार्टी की चपकलिश आपको नजर आती है, एक बयान आता है, 10 बयान यहाँ से आ जाते हैं, वो कहते हैं मुकमुका हुआ है, आपने फेवर्स लिए हैं, वो कहते हैं आपने भी फेवर्स लिए हैं, हम वो भी बताएंगे, ये वाकई अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है या इनके दरमियान मुकमुका खत्म होने की निशानदेही है? देखिए, जमहूरियत जो है वो उसमें इस तरह का शोर होता है, ये इंडिया में भी होता है। अभी आप देखें, ये जो प्रेजिडेंशियल जो कैंपेन जो ये सारी ये जो प्राइमरीज वगैरह और सब कुछ जो हुआ अमरीका में हो रहा है, उसमें भी आप देखें किस किस्म के इल्जाम दर इल्जाम तक थे, ये जमहूरियत का शोर होता है। इसमें हम थोड़ा सा, चूँकि हम चाहते हैं कि हर चीज़ बहुत नीट हो, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें इस मुल्क में जितने मसाइल हैं, कराची के अपने अंदर जितनी दराड़ें हैं, उन दराड़ों का ज़ाहिर है प्रोग्राम में आगे चल के जिक्र भी होगा, उस सब में ये चीज़ ज़रूर होती है। पीपल्स पार्टी और जब ये धरनों का मामला हुआ और ये जो सारा रेफरेंस है ये बुनियादी तौर पर उसी के हवाले से, तो उसमें जो दो बड़ी जमातें हैं उनका एक दूसरे के हवाले से मफाद ये है कि जो ये सिलसिला चल रहा है इसका तसलसल जो है वो जारी है, क्योंकि उस जमाने में बात ये हो रही थी कि PTI और PAT का जो सारा धरना है उसकी वजह से कहीं ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल उलट पुलट हो जाए। अब जो मामला हो रहा है उसका ताल्लुक कराची के साथ है, और कराची में जिस वक्त तक हिद्दत जो थी वो मुतहदा तक थी, जिस वक्त तक मामला जो है वो बाकी दहशतगर्द ग्रुप्स के हवाले से था या जो और माफियाज के हवाले से था, उस वक्त तक तो मामला ऑपरेशन बहुत अच्छा था उस वक्त तक। जब वो गर्मी जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ आना शुरू हुई बिला वास्ता या बिल वास्ता, तो फिर जाहिर है उसमें थोड़े से मामला जो है वो कशीदा हो गए, और वो कशीदगी जो है वो हमने देखा कि वो रेंजर्स के हवाले से भी हुई, और वो फिर उसी की एक्सटेंशन है उसको बढ़ा के, चूंकि रेंजर्स जो है वो तकनीकी एतबार से, हालांकि कमांड लाइंस उनकी आर्मी की तरफ जाती है लेकिन तकनीकी हवाले से तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की फोर्स है, तो उसमें फिर चौधरी निसार साहब का भी, चौधरी निसार साहब का मामला ये है कि चौधरी साहब जो है वो कई दफ़ा बात दुरुस्त करते हैं लेकिन उनका जो तरीकाकार है उससे बहुत से लोगों को इख्तलाफ है ठीक है, तो वो भी मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बाकी तो चले छोड़ दें, अपनी जो वजीर आजम की जो अपनी पार्टी की जो काबीना है उसके बेशुमार जो वज़रा हैं उनके साथ भी, वजीर दिफा का नाम उनके साथ भी उनकी जो है ना नहीं बनती,
तो वो उनका एक तरीकाकार है और मेरे ख्याल में उनको इस तरीकाकार को बेहतर करने की बहुत अशद ज़रूरत है। लेकिन जो मसला है कराची का, मैंने इसके बारे में कल, बल्कि मदर साहब आपके साथ हैं प्रोग्राम पे, कल मेरे प्रोग्राम पे मेरे साथ थे और मैं इनसे यही सवाल कर रहा था क्योंकि इनकी कराची पे बहुत गहरी निगाह है। तो मैं इनको ये कह रहा था कि मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर ये जो ऑपरेशन का मामला था, अगर इसको प्रायोरिटाइज़ किया जाता और जो TTP के दहशतगर्द हैं या जो फ़िरकावार तंजीमें हैं उनके जो दहशतगर्द हैं और ये दाइश के हवाले से भी अब बात हो रही है, अगर इसके ऊपर ऑपरेशन को जो है मरकूज़ किया जाता इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कराची की बाकी तथहीर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है आपको, लेकिन जब आप इस तरफ चले जाएंगे और एक सियासी कश्मकश शुरू हो जाएगी तो उससे जो जो ऑपरेशन के अहदाफ हैं इस वक्त और वो अहदाफ जो हैं वो बुनियादी तौर पे तरजीहात थोड़ी मुख्तलिफ हो जानी चाहिए, और सियासी कश्मकश मतलब देखिए आपको आपको बुनियादी तौर पे हर तरफ जाना है, ठीक है, लेकिन अगर आप झाड़ू ऐसी समत में फेरना शुरू कर देंगे कि जहाँ पे फिर आपका जो सियासी जो कंसेंसस है ना उसमें डेंट पड़ जाएगा। करूंगी लेकिन अगर मौका दें मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले कराची की सूरत हाल पे बात करने से पहले नेशनल एक्शन प्लान जिसके बहुत सारे नुकात पर हम मीडिया में भी बात करते रहे कि अमल दरामद नहीं हो रहा, अपोजिशन ने भी सवाल उठाए कि इस पर क्या हो रहा है, गो के हर तरह से किसी ना किसी के इख्तलाफात मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी को कराची के हवाले से एतराजात हैं, वो कभी सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात को महदूद करने चाहते हैं, कभी वो नैब के इख्तियारात को महदूद करना चाहते हैं, वो जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने बिल भी मंजूर किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये बहस छेड़ जाना और इन सवालात का जवाब ना आना कि अमल दरामद इन नुकात पर कितना हुआ है, ये कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है आवाम को? शुक्रिया सादिया। देखिए सबसे पहले तो मुझे आपने जो जिस वक्त इब्तदाइया पढ़ा कहा उसमें मुझे एक बड़ी तशवीश ये लगी कि कराची और पेशावर में आज जो रैलियां हैं ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रही, क्योंकि इनके बहुत से माने लिए जाते हैं जब इस तरह की पोजीशंस डेवलप की जाती हैं, इस तरह किसी को पॉपुलर बनाने की कोशिश की जाती है जो ऑलरेडी पॉपुलर हो, जिसको पॉपुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पॉपुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके मैसेजेस बड़े मुख्तलिफ जाते हैं। एक बात जो ज़ाहिर एजाज भी यहाँ मौजूद हैं, साबिर भी मौजूद हैं, ये ज़्यादा बेहतर इस पर, और मुझे जो पिछले चंद दिनों से थोड़ी सी तशवीश हो रही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है जब से वज़ीर आज़म वापस आए हैं उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई है, ये मुझे कोई बहुत अच्छी जो मैसेज नहीं लग रहा, मुझे कोई इसमें खासा कंसर्न लग रही है, क्योंकि जब वज़ीर आज़म बाहर थे तो आर्मी चीफ ने अपने एक्सटेंशन के हवाले से जो बयान दिया था उसके बाद मैं तवक्को ये रख रहा था कि वज़ीर आज़म जैसे ही वापस आएंगे उनकी मुलाकात होगी, ठीक है, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वज़ीर आज़म ने मीटिंग बुलाई उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं थे, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तनाव पैदा हुआ है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में, शायद इस वजह से कि वज़ीर आज़म इस किस्म का जो ऐलान है वो तवक्को नहीं कर रहे थे, ख़ासतौर पर जब वो गैर मुल्की दौरे पर हों, तो ये देखना ये है कि एजाज इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। लेकिन जहाँ तक बाकी मामलात हैं, देखिए कराची ऑपरेशन जो है उसके तीन टेयर्स हैं, एक कलदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन, दूसरा जो मिलिटेंट विंग्स हैं उसमें ख़ासतौर पे प्रोमिनेंटली जो रेंजर्स या पुलिस कहती है वो MQM के मिलिटेंट विंग है उसके खिलाफ ऑपरेशन, और तीसरा जो अब पिछले चंद माह में हमने देखा है कि सिंध हुकूमत के कुछ लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन, अब इसमें तीनों जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, नैब को एक इंडिपेंडेंट इदारा कहा जाता है, नैब बहुत एक्टिव नज़र आ रही है सिंध में, FIA बहुत एक्टिव नज़र आ रही है और रेंजर्स बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। उज़ैर बलोच की अगर आप इजाज़त दें, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साबिर शाह साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी उनका नुक्ता नज़र जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मज़हर साहब ने जो नुकात उठाए, पहले साबिर शाह साहब आपसे उस हवाले से बात करूंगी, फिर जो कराची की सिचुएशन है और मज़ीद क्या होना चाहिए उस पर बात करेंगे। पहले तो एक अहम नुकता इन्होंने बोल दिया कि जी ये जो रैलियां निकाली जा रही हैं आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में, तौसी के लिए लोग अब बाहर आना शुरू हुए हैं,
ये क्या वाकई आप समझते हैं कि अच्छा शगुन नहीं है, और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप क्या वाकई तनाव आना शुरू हो गया है जिस तरीके से आर्मी चीफ ने अनाउंसमेंट उनके सामने आई है? सादिया, पहले तो मैं समझता हूँ कि टीवी पे जो प्रोग्राम्स हुए हैं उनकी इस फैसले से पहले वो होने नहीं चाहिए थे। ठीक है, इस मुल्क में सब कुछ पॉसिबल है, पता नहीं कौन सा प्रोग्राम किसके कहने पर किया गया। दूसरी बात यह है कि आई हैव बीन स्ट्रांगली सपोर्टिंग जनरल राहील शरीफ एंड पाकिस्तान आर्मी इन देयर क्रूसेड अगेंस्ट टेररिज्म। बदकिस्मती ये है कि अभी तक मुझे जो वाहिद कल्प्रेट नज़र आ रहा है वो डॉक्टर आसिम हुसैन, पता अच्छा। नहीं वो भी कितना एविडेंस एडमिसिबल है इन द आई ऑफ द कोर्ट या नहीं। गेंद डी में तो ले जाते हैं, सौलत मिर्जा वाला आपको पता फियास्को हो गया, आमिर खान भी को 90-100 दिन अंदर रहे, पता नहीं उन्होंने क्या बताया, ताश तो नहीं खेली होगी रेंजर्स ने उनके साथ। सो पीपल टेक नेम्स एंड नथिंग हैपन्स, ओनली आसिम हैज बीन अरेस्टेड टिल डेट। सो इट्स सीमिंगली इज अ फिजिकल एंड मेंटल एगनी, आगे मुझे नजर नहीं आ रहा। इट थिंग्स आर नॉट इन एन एपल पाई ऑर्डर, दे आर ऑल एट सिक्सेस एंड सेवंस। देखिए सिंपल चीजें हैं, 30 साल से जमात इस्लामी का रोल काम है कराची में, एमक्यू और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दास्तानें भी सबके सामने हैं, और बड़ी गड़बड़ तो हुई होगी ना, कराची इज एन एक्टिव वॉल्केनो यू नो फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। अब मसला ये है कि अभी तक अब जनरल राहील शरीफ की बात कर रही हैं, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कम इस तरह सपोर्ट किया जाता है। शायद एक महीने तक जनरल राहील शरीफ से लोग सवाल पूछना शुरू कर दें कि जनाब अब कर क्या रहे हैं। वो आप कह तो देते हैं ऑपरेशन तेज हो रहा है, कोई आगे बंदे नहीं पकड़े जाते, सौलत मिर्जा ने भी नाम लिए थे, आमिर खान ने भी लिया। रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट को कुछ लोगों ने पीएमएलएन के फेलियर से भी मतलब उसके साथ भी मिलाने की कोशिश की, शायद उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात की जाती है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में तनाव नजर आता है कि शायद आर्मी चीफ जो चाह रहे थे या आर्मी जो एक्सपेक्ट कर रही थी नाप के हवाले से जो हमारे सिविलियन इदारे करें उस पर वो रिस्पांस नहीं मिला, या उस पर वो इनपुट जो है वो आउटपुट जो है वो नजर नहीं। आईएसपीआर भी बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ जब जरूरत होती है तो सारे अपना अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। जब कराची ऑपरेशन की बात हो रही थी तो ये भी कहा जा सकता था कि जनाब ये जीआईटी तो राणा सनाउल्ला पे भी बनी थी, अक्रॉस द बोर्ड आप क्यों नहीं करते? अक्रॉस द बोर्ड तो ये होता है कि सारे मुल्क में हो, मॉडल टाउन में कत्ल तो हुए थे ना जी, 16-18 बंदे, 100 लोगों पे गोलियां चली थी, शायद राणा सनाउल्ला से पूछा जाता तो वो किसी और का नाम ले लेते। सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब आप जाके देखें फिजिकली आपको बेतहाशा गड़बड़ नजर आएगी। वहां पे जब रेंजर्स की बात की जाती है तो राणा सनाउल्ला साहब कहते हैं यहाँ पे तो गुंजाइश नहीं है, रेंजर्स को खुद ही आ जाना चाहिए था, आर्मी को अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को भेज देना चाहिए था, या इस पे सवाल उठने चाहिए थे, क्योंकि अब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को जब भी पकड़ेंगी वो तो नहीं मानेंगे, वो तो प्रोसिक्यूशन ही नहीं करते बंदा पकड़ा जाए तो। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये स्टेलमेट है। अच्छा ये वैसे एजाज हैदर साहब, ये जहर बलोच ठीक है, एक तो चले ये अलग बहस है कि ये कल ही पकड़ा है या उससे पहले कस्टडी में था और अब शो कर रहे हैं, अब बता रहे हैं कि जी इसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसकी टाइमिंग भी एक अहम है कि वाकई में फिर पीपल्स पार्टी कहती है कि ये हमें शायद मजीद नीचा करने के लिए या पीपल्स पार्टी को दहशतगर्दी से जोड़ने के लिए किया गया है। लेकिन जिस तरह इन्होंने मिसालें दी, सौलत मिर्जा उसके हमारे सामने वीडियो टेप सामने आया, उसने नाम लिए, फिर आमिर खान के हवाले से उन्होंने नाम लिए, इवन डॉक्टर आसिम चले कस्टडी में है लेकिन उन्होंने बहुत सारे नाम लिए, हुआ तो कुछ नहीं है। उज़ैर बलोच के हवाले में इस केस में आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा या ये भी उन्हीं तीन केसेस की तरह? मैं थोड़ा सा अगर पहिया पीछे घुमाऊं, जो आपने तोसी के हवाले से जो बात की थी, देखिए तोसी के हवाले से जब ये जनरल कियानी का भी मामला था तो तोसी से पहले भी और तोसी के बाद भी मैंने तहरीरी तौर पर भी और तकरीरी तौर पर भी ये कहा था कि ये मुनासिब नहीं है। फौज जो है ना वो इदारा होता है, ये बहुत बड़ा इदारा है और इदारे की एक सोच होती है, इदारे का एक जो ऊपर जाने का जो सीढ़ी है उसका एक तरीका कार होता है, और उसमें जब आप ये बॉटलनेक्स क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सी खराबियां जो है वो जन्म लेती हैं। और हमारे यहाँ चूँकि ज़ाहिर है आपको जैसे पता है जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल बन गए लेकिन वहाँ पर वो बैठे हुए थे, फिर जनरल मुशर्रफ का या इसका जो है ज़िया का मामला आया, फिर मुशर्रफ का मामला आया, फिर कियानी साहब ने जो है 6 साल जो है, तो ये मुनासिब नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि इस बात को वाज़े कर दिया जनरल राहील शरीफ ने कि वो तोसी नहीं लेंगे। सही। ये जो रैलीज निकल रही हैं ये हमारी एक नफसियाती सोच बन गई है इजतमाई तौर पर, फौज के हर मसले का हल निकाल सकती है, फौज के अलावा कोई मसीहा है, कोई एक शख्स है जो कि जादू की छड़ी घुमाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, ये अनहोनी बात है और हमारे यहाँ भी नहीं होगा। तो इसलिए ये जो लोग रैलीज निकाल रहे हैं इनसे मैं बसात एहतराम ये कहूँगा कि जनाब वो एक बाइज़त फौजी को आप बाइज़त तौर पे रुख्सत होने दें और उसके बाद एक और जर्नल आएगा, और यानी ये अगर आप तोसी की बात करते हैं तो इसकी इम्प्लिकेशन ये है
कि उनके पीछे जो लोग हैं उनमें इतनी समझ बूझ नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल में आप फौज के इदारे पे भी एक तरह की जो है ना वो तोहमत लगा रहे हैं कि फौज का इदारा जो है वो 10 में से 15 में से सिर्फ एक बंदा निकाल सकता है। जनरल राहिल शरीफ के बाद जहां तक ताल्लुक है इस बात का जिसकी तरफ सागर साहब ने भी जिक्र किया, देखे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जो है ना, बयान जो है उनकी कोई खास अहमियत नहीं होती जब तक आपके पास फिजिकल एविडेंस ना हो। आप जो क्रिमिनल सीन्स भी जो होते हैं उस पर क्रिमिनल सीन इन्वेस्टिगेशन भी इसलिए करते हैं, उसके अंदर आपके जो फोरेंसिक्स का सारा मामला होता है, ये तमाम चीज़ें आपका फिजिकल एविडेंस जो है ना वो कन्फेशनल, तो आपको पता है आप पुलिस मारपीट के भी कुछ कर देगी, ठीक है। अच्छा, रेंजर्स का तो एक और मसला भी है, और वो मसला ये है कि रेंजर्स आपको जितनी मर्जी वहाँ पकड़ लें, अल्टीमेट प्रोसिक्यूशन तो रेंजर्स कर ही नहीं सकते, वो तो पुलिस ने करनी है, वो तो रेंजर्स के पास इख्तियार ही नहीं है, वो किसी इदारे के पास इख्तियार नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है कि पंजाब में रेंजर्स फौज नहीं भिजवा सकती, टेक्निकली रेंजर्स इज नॉट, रेंजर्स इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, और सूबाई हुकूमत के कहने पर जो है सिंध में रेंजर्स गई, इट इज ऑफिसर्ड बाय ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, लेकिन तकनीकी एतबार से वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की फोर्स है, उसका फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और जब तक सूबा उसको रिक्वेजिशन नहीं करेगा तो वो खुद से नहीं जा सकते रेंजर्स, ठीक है। एक मुख्तसर सा वक्फा, बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टेटमेंट वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मज़हर अब्बास साहब, कराची पे जाने से पहले अगर आप इजाज़त दें, एक सवाल मैं करना चाह रही हूँ नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, जो अभी बात हो रही थी कि हम खुद जिक्र करते हैं कि कितने नुकात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ या किन पर जुज़वी तौर पर हुआ है। जब एतज़ाज़ एहसन साहब भी ये बात करने लग जाएंगे कि वज़ीर आज़म के जो वज़रा हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वज़ीर आज़म इनको फारिग कर दें और एक कौमी काबीना जो है वो कौमी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए, तो वाकई आपको लगता है कि हालात इतने बिगड़ गए हैं ये दोनों सियासी जमातों की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, या फिर जो एजाज हैदर साहब ने शुरू में बात की थी कि जी जमहूरियत है और अपोजिशन की तरफ से इस तरह की बातें चलती हैं और हुकूमत भी फिर जवाब देती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एतज़ाज़ अहसन साहब का ये बयान दुरुस्त है। वो ठीक है, आप ये तो तनकीद कर सकते हैं कि वज़रा जो है वो सही सेंस में काम नहीं कर रहे, इनकॉम्पिटेंस हैं, ये अपोजिशन जिस तरह एजाज ने कहा कि ऑन, आप ये कह सकते हैं कि आपकी काबीना जो है वो इनकॉम्पिटेंस है, उनमें इख्तलाफ आते हैं, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन जब आप कौमी हुकूमत की बात करते हैं तो इसके माने ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। कौमी हुकूमत का मतलब यह है कि आप मौजूदा हुकूमत की अथॉरिटी को, उसके मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है एतज़ाज़ अहसन साहब ने अगर बहसियत ओपोजिशन लीडर ये बात की है, क्योंकि जब आप चाहे खुर्शीद शाह हों या एतज़ाज़ अहसन हो, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी पार्टी की पॉलिसी को, जो कि मेरा ख्याल है इंतहाई तशवीश की बात है। आप कह सकते हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो नहीं चल पा रही, आप उसके खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं, आप उसके खिलाफ और भी तरीके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो मुतालबा है कौमी हुकूमत का, ये बुनियादी तौर पे जमहूरियत की नफी करता है, ठीक है। लेकिन कराची ऑपरेशन पे भी देखिए, जिस तरह शुरू में बात की गई कि एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, पीपल्स पार्टी उसको, उस पर कोई एतराज नहीं था, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जारी रहेगा, सही सिमत जा रहा है, पीपल्स पार्टी पर हाथ पड़ा तो एतराजात सामने आना शुरू हो गए, तो इसका हल क्या है? जब हम आर्मी चीफ की तरफ से और डीजी रेंजर्स की तरफ से ये बयान सुनते हैं कि जी इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और एक तरफ फिर ये सियासी जमातों के इशूज भी आते रहेंगे, और खासकर पीपल्स पार्टी विफाक को लेकर, विफाकी हुकूमत को लेकर यह बात करती है कि उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है, अगर हम जो भी एपेक्स कमेटी के इजलास हुए हैं, खासतौर पे सिंध के हवाले से मैं बात करूंगा, कई इजलास ऐसे हुए हैं जिसमें वजीर आजम, आर्मी चीफ और उस वक्त जब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान में थे, उन्होंने खुद वो इजलास अटेंड किए हैं, तो अगर उनके मिनट्स और फैसलों को जो है वो पब्लिक कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों की ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी कि पीपल्स पार्टी ने किस हद तक इस ऑपरेशन की हिमायत की, पीपल्स पार्टी ने खुद किस हद तक इन चीज़ों को इंडोर्स किया है। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की तनकीद है वो दरअसल वो रक्त तो वफाकी हुकूमत पर रहे हैं, सारी बातें ब्लेम तो वो मुस्लिम लीग नून पे है, लेकिन उनका इशारा किसी और तरफ है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रेंजर्स के इख्तियारात का मामला हो या जो इन गिरफ्तारी डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी हो या इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं, इसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है,
इसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत की या वजीर आजम की डायरेक्शन पे नहीं हुई हैं ये गिरफ्तारियाँ, बल्कि मेरा ख्याल है जिस वक्त डॉक्टर आसिम गिरफ्तार हुए थे उसके फौरन बाद चौधरी निसार ने डीजी रेंजर्स को फोन किया था और उन्होंने इस बात पर जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया है उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया था। बिल्कुल इसी तरह जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे सबसे पहले रेंजर्स ने रेड किया था तो उस पर भी वफाकी हुकूमत ने रिएक्ट करके FIA को फिर ये वो की थी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा सिंध हुकूमत को ये समझना चाहिए, उनको थोड़ा सा अपने आप को इससे दूर रखना चाहिए। उनका ये इतराज़ दुरुस्त है सिंध हुकूमत का। देखें उनका ये जो ऑब्जेक्शन है कि जी आप सिर्फ सिंध को टारगेट कर रहे हैं, आप सिर्फ कराची को टारगेट कर रहे हैं, आप रेंजर्स अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है कुछ चीजों में जिसको उन्होंने रेंजर्स ने बाद में विड्रॉ कर लिया, तो ये सारी चीजें सही ठीक है। वो इजाज़ साहब ने जैसा पंजाब के हवाले से कहा भी कि फिर जब तक सूबाई हुकूमत नहीं बुलाती रेंजर्स को तो रेंजर्स खुद से तो नहीं आएंगे, लेकिन साबिर शाह साहब जब पीपल्स पार्टी जो मजहर साहब भी बात कर रहे हैं कि जब वो ये कहते हैं कि पंजाब में दूध की शहद की नदियां नहीं बह रही हैं, वहाँ पे भी हालात और खासकर इस्लामाबाद के हवाले से भी बात करते हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब बैठे हैं और चौधरी निसार साहब उनके हवाले से गलत बयान आके असम्बली में देते हैं, पंजाब में भी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनके दफातर अब आप बंद करना शुरू करते हैं, तो ये चीज़ें नज़र तो आ रही हैं आवाम को भी कि अगर वहाँ पंजाब में इन्हीं की हुकूमत है लेकिन वहाँ नहीं बुलाया जाता रेंजर्स को। मैंने पहले कहा एक मिसाल दी मैंने मॉडल टाउन इंसिडेंट, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर को खुद ही बुला लेना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर पंजाब बुलाते, वो बनती है ना जीआईटी के सामने जो इनको बरी कर देती हैं, झांग भरा हुआ क्लीन चेट मिल जाती है कालेदम तंजीमों से, वो नाम बदल लेती हैं ऑपरेट करती हैं, चंदा लेती हैं ऑपरेट करती हैं। अगर किसी ने अभी भी देखना है कि वो कैसे चंदा लेती हैं तो लाहौर की किसी मार्केट में चला जाए, वो चंदा अभी भी ले रही है सारा कुछ, उनको स्पॉन्सर्स भी हैं, उनके फाइनेंशियर्स भी हैं गवर्नमेंट के अंदर भी, ये डरते हैं हुकूमत हो यहाँ पुलिस वाले भी डरते हैं, यहाँ जजेस ने बताया हम डरते हैं, बात समझ रही है। अब दो साल पीछे चले जाएं, दूसरी बात अब लियारी गैंग वॉर के हवाले से आपका फोकस है, 1964 से गैंग वॉर्स हो रही हैं, रहमान डकैत का बाप और काला नाग दोनों हशीश की जंग थी 1964 में, लोग मरते गए मरते गए मरते गए। अच्छा जी आप अयूब खान को भी छोड़ दें, आप भुट्टो साहब की दोस्तियाँ छोड़ दें लियारी में, आप जियाउल हक को भी छोड़ दें, उसके बाद पीपल्स पार्टी को कौन एग्जोनरेट करेगा, उसके बाद MQM को कौन एग्जोनरेट करेगा, क्योंकि अरशद पप्पू का ताल्लुक MQM से था, बाकी तमाम लोग पीपल्स अमन कमेटी जुल्फकार मिर्जा फरियाल तालपुर वगैरह सबके साथ थे, कायम अली शाह। इसके अलावा और भी बताता चलूं आपको, रिसर्च है कि मारवी मेमन भी जाती रही हैं लियारी, मोहब्बत अमन मार्च कर पार्टी अभी यही तो बात कर रही है कि PTI के लोग और PMLN के लोग भी जाते रहे, गौस अली शाह भी जाते रहे हैं, क्या करने जाते रहे हैं, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता, क्या करने गए थे आप, कौन सा दावतनामा आया था, मुझे भी बड़े कि अगर वो आपके सियासी मुखालिफ के खिलाफ आपके साथ अलायंस करने जा रहा है तो दुरुस्त है, लेकिन अगर वो दूसरी जमात में है तो क्रिमिनल। दूसरी बात, बहुत प्रेशियस टाइम आया हुआ, जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया, बहुत मामला उसी वक्त ही हल हो सकते थे, बेड़ा गर्क कर दी। जनरल कियानी ने 3.5 क्रिमिनल नेग्लिजेंस की, बहुत सारे इश्यूज पे बिल्कुल खामोश होके बैठे रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि और एक दो महीने कुछ ना हुआ, अगर ये कहानियां ऐसे ही चलती रही, फलाने स्टेटमेंट दे दिया, 6 पे इल्जाम लगा दिया, जनरल अहिल शरीफ पे भी सवाल उठेंगे, आर्मी पे भी उठेंगे। आप कह रहे हैं कि लोग उनसे पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, क्या कर रहे हैं, व्हाई नॉट। और दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, इसमें एजेंसीज का भी रोल है गैरी लैंग वॉर्स के अंदर। Somebody got the audacity and bravery to tell us कि एजेंसीज क्या करती रही हैं इन बदमाशों के साथ। गैंग वॉर्स दुनिया भर में होती हैं, सादिया रिसर्च है, कौन सा मुल्क है जहां गैंग नहीं है और गैंग वॉर्स नहीं होती, टर्फ वॉर्स भी होती हैं, आंख मचोली पुलिस के साथ चलती है, इस तरह पॉलिटिशियन पैटर्नाइज नहीं करते। यकूजा का नाम आपने सुना, जापान और ये बहुत अरसे से नजर आ रही हैं चीजें, ठीक है, नो गो एरियाज कहाँ नहीं है, जिम्बाब्वे में है, साउथ अफ्रीका में है, नॉर्दर्न आयरलैंड में है। मैं इजाज़ साहब ये जो बात कर रहे हैं कि ठीक है मुशर्रफ के टाइम पे आपने डिले किया, बहुत सारे छूट दे दी जो आपको नहीं देनी चाहिए थी, कयानी के दौर में आपको ऑपरेशन कर लेना चाहिए था, आपने ऑलरेडी डिले कर दिया, अब ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उसके हवाले से भी अब आर्मी चीफ अगर जाते हैं या इस तरीके से उनके रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट पे वावेला होता है तो क्या अभी भी चीज़ें दुरुस्त सम्त में ही चलती रहेंगी, या फिर अभी भी लोगों को तो लग रहा है कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ, देखें वो हुआ था पेशावर, उसके बाद ये चारसद्दा में भी हो गया, कुछ नहीं हो रहा, लोगों में तो ये तासुर अभी से उभरना शुरू हो रहा है। देखें बहुत सी चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हो रही हैं, देखिए इनको ना इसके सिरे हमें खोलने पड़ेंगे। कराची के अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन है या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये दहशतगर्दी से पहले का वाकया है, उस वक्त तक ये जो इस तरह की दहशतगर्दी थी वो नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी आपकी ये क्रिमिनलाइजेशन जो है वो हो चुकी है।
तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके अंडरग्राउंड्स भी हैं, उनके स्टॉर्म ट्रूपर्स भी हैं। और कराची चूँकि माइक्रोकॉज़म है पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान का हर जो है वो ज़ात पात का नस्ल का बंदा जो है उसकी वहाँ पे नुमाइंदगी है, और आबादी जो है वो बेतहाशा बड़ी है, डेवलपमेंट के जो है ना मुश्किलात हैं। तो ये कुछ तो इसमें से हमें देखना होगा। इस वक्त तो हमें ये नहीं पता ना कि आबादी है कितनी, कुछ तो हमें ये देखना होगा कि ये मसाइल जो हैं बड़े शहर के मसाइल के कैटेगरी में आते हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं, वो दुनिया के सब बड़े शहरों में। उसके अलावा कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हमने हल करने हैं? जनरल मुशर्रफ की बात हुई, जनरल मुशर्रफ ने जिस तरह का एक निज़ाम लाने की कोशिश की उसमें उनकी पहली ख्वाहिश ये थी कि दो बड़ी जो पार्टीज़ हैं उनको साइडलाइन किया जाए और एक तीसरी कुव्वत लाई जाए। अगर आप उमर शाहिद हामिद साहब का बहुत अच्छा नावल है तो फिक्शनलाइज चीज़ है, लेकिन वो कराची का एक बहुत अच्छा जो है वो नक्शा खींचता है, द प्रिजनर, वो ज़रूर आप पढ़ें। इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव ऑन कराची के कराची में किस किस्म की मुख्तलिफ दरारें हैं। हर चीज़ को आप एक वक्त में हाथ नहीं डाल सकते। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि समटाइम्स डूइंग द राइट थिंग इज नॉट द राइट थिंग टू डू। सियासी जमातों से मुंसलिक केसेस अब आना शुरू हुए, इनको बाद में देखा जाता मैं, और जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां। सबसे पहले आप ये देखें, कॉमरेड माओ ने एक बात की थी बुनियादी तजाद के हवाले से, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है। बुनियादी तजाद आप देखें कि इस वक्त क्या है, इस वक्त जो आपकी बुनियादी लड़ाई है ना वो पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की सफाई नहीं है, ना ही वो मुस्लिम लीग नवाज की सफाई है, विच इज नॉट टू से कि इन ये सफाइयां नहीं होनी चाहिए, लेट मी क्लैरिफाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो आपकी बुनियादी लड़ाई है वो है दहशतगर्दों के साथ, जो कि आपकी कौमी सलामती के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप उस लड़ाई को छोड़ के इस धंधे में पड़ जाएंगे तो फिर मसला जो है वहां पे खराब हो जाएगा। एक ब्रेक ले लें और अजहर साहब ने यहाँ पर जो नुक्ता उठाया वो काफी अहम है, इस हवाले से बात करते हैं, मजहर अब्बास साहब से भी उनका तज्जिया लेंगे एक ब्रेक के बाद। जी प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मजहर अब्बास साहब, जो इजाज़ हैदर साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि आप ज़रूर सियासी जमातों में मौजूद दहशतगर्दों को या उनसे रवाबित हैं जिन लोगों के उनको पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें, लेकिन पहले शायद तरजीह ये होनी चाहिए थी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो खुलेआम दहशतगर्दी करती हैं जिनका आपको पता है, जो जिस तरह अभी साबिर शाह साहब ने भी कहा था कि यहाँ लाहौर में भी वो चंदे ले रहे हैं लोगों से और खुलेआम काम कर रहे हैं, उनके दफातर भी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो फिर सर, जब ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ये बात करते हैं कि हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कभी नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी कि इनकी तो हमदर्दियां हैं उन लोगों के साथ, तो फिर बात में वजन तो नजर आता है उनकी इस दलील में? देखिए, असल चीज ये है कि बात अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन ये कि खुर्शीद शाह साहब, ये सवाल वजीर आजम से बिल्कुल बजा है उनका ये सवाल करना, लेकिन जब सिंध में एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है या मरकज में, अगर पंजाब में एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है दूसरी जगह, तो उस जगह जो ऑपोजिशन का रोल है वो हमें नज़र नहीं आता, उस जगह जो ऑपोजिशन का इनपुट है वो नज़र नहीं आता। सिंध हुकूमत का अपना इनपुट उसमें है। देखिए, अभी जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो लियारी में जो कुछ हो रहा है और उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी से पहले का भी अगर आप सिनेरियो देखें, तो लियारी पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल के दौर में अगर सबसे ज्यादा डिससर्विस की है तो वो ये की है कि उन्होंने लियारी गैंग के एक फरीक को की ओनरशिप ले ली। उसका नतीजा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी का कभी भी एज सच लियारी गैंग से कभी भी ताल्लुक नहीं रहा है पीपल्स पार्टी का, और ये उसका नतीजा ये हुआ है कि आज लियारी जो है वो इंतहाई डीपोलिटिसाइज हो गया है। और ये बात साबिर शाह जो कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके शवाहिद मौजूद हैं कि लियारी गैंग वॉर को जो प्रमोट किया गया है वो लियारी में पीपल्स पार्टी को डीपोलिटिसाइज करने के लिए किया गया, और उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट ऐसा है जो बलूचिस्तान में स्मगलिंग होती थी, कराची से गाड़ियां जाती थी, कराची से किडनैपिंग फॉर रैंसम है, इसमें इन लड़कों को इस्तेमाल किया गया है। इनमें से बहुत से लड़के ऐसे हैं जो जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में इंतहाई पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट हुआ करते थे, पॉलिटिकल लड़के हुआ करते थे, लेकिन इन पर मुकदमात कायम करके इनको क्रिमिनल्स बना दिया गया, फिर उससे उसके जरिए ब्लैकमेलिंग करवाई गई, उसके जरिए इनसे हेरोइन बिकवाई गई, इनको उस रास्ते पर चला दिया गया कि वो ये वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आ सकें। और जो एजाज ने बुनियादी बात की है, देखिए आपकी डायरेक्शन जो है
वो तब्दील होती नजर आ रही है ये, लेकिन उसके रीजंस हैं, ऐसा नहीं है। जब आपने कराची में हाथ डाला और कलदम तंजीमों की तरफ गए और उनकी टेरर फाइनेंसिंग की तरफ गए तो आपको पता चला कि ये नेक्सस है। इसमें अच्छा, सिर्फ सिर्फ कलदम तंजीमें नहीं है बल्कि कलदम तंजीमों का कुछ सियासी जमातों से भी सियासतदानों से ताल्लुक है और कुछ 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 गैंग से भी उनका नेक्सस है, तो ये चीज फैलती चली गई फिर। ठीक है, तो ये तो एजाज साहब आपने जो नुक्ता उठाया था उसको इन्होंने मजीद एलिब्रेट कर दिया कि क्यों वो नेक्सस की वजह से इस तरह की कार्रवाइयां नजर आईं। लेकिन एक सवाल, जैसा अब हम लाहौर में बैठे हैं, बड़ी मुझे अच्छी दोपहर में खबर चलती हुई नजर आ रही थी कि जी स्कूल्स खुल रहे हैं पंजाब में और अब सिक्योरिटी जो है वो बहुत से स्कूलों ने यकीनी बना भी ली है, लेकिन अभी सबको मैसेजेस आना शुरू हो गए कि ऐसा हरगिज़ नहीं है और बहुत से स्कूल जो हैं वो पंजाब भर में और खासकर लाहौर में भी बताया जा रहा है कि बंद रहेंगे। तो एक ऐसे माहौल में जहाँ पे वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा पा रहे, उन्हें पहले बहाना बनाया जाता है कि जी सख्त सर्दी की वजह से नहीं स्कूल खुल रहे हैं, बाद में पता चलता है नहीं जी सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं, थ्रेट्स बहुत ज्यादा आई हुई हैं, तो फिर कैसे होगा? सादिया कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। आपका टीवी भी देख रहा हूँ, बकिया भी देख रहा हूँ, कुछ कह रहे हैं स्कूल खोलेंगे, अभी मुझे बट मैं साबिशा से फिर मैं कैसे यकीन करूँ? लाहौर ग्रामर से अभी मुझे मैसेज आया है कि स्कूल नहीं खुल रहे, राइट? तो खौफ की फजा तो है ना, माँ बाप भी तंग हो रहे हैं, ये खौफ की फजा है। जो माँ बाप शायद स्कूल खुल भी जाए तो दो चार दिन बच्चों को ना भेजें। अच्छा, हम बात कर रहे थे नेशनल एक्शन प्लान की, मजहर भाई भी बैठे हैं, जासा भी बैठे हैं, अगर दो लाइनों में को पूछे ये क्या है तो वो इतना ही सिंपल है कि जनाब दहशतगर्द डाकू चोर क्रिमिनल को पकड़ना है और सजा देनी है, प्रोसिक्यूशन भी करनी है, इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, बकिया तो वो डिटेल्स है। दूसरी बात, अगेन एज माई सीनियर फ्रेंड सेड, क्रिमिनोलॉजी को अगर आप स्टडी करें सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में, इसके ट्रेंड्स को स्टडी करें, दहशतगर्द, सूद देने वाले, सूदखोर, लोन शार्क्स, ये कार चोरी करने वाले, किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये सब भाई हैं। ये सियासी जमातों की स्क्रीमिंग हो या रिलीजियस जमातों के हो, अगर इनमें से फॉर एग्जांपल कोई टेररिज्म नहीं कर सकता तो वो टेररिस्ट को लॉजिस्टिक्स भी फ्राहम करेगा, वो सूदखोर से वो पैसे लेके रातों रात 35-40-50 लाख भी देगा, अगर कोई गाड़ी मुहैया कर देगा, कोई रिहाइश मुहैया कर देगा, दे आर ब्रदर्स इन आर्म्स। सही, तो कराची में जैसा मजहर साहब भी कह रहे हैं कि ये जब चीजें खुली आपको नेक्सस का पता चला तो फिर आपको अंदाजा हुआ कि मामला इतना सीधा नहीं है। इनको क्यों नहीं पता था? मैंने अर्ज किया ये खेलते रहे हैं। रहमान डकैत का बाप, रहमान डकैत का बाप पहला ड्रग लॉर्ड था कराची का, ठीक है, इनको नहीं पता। पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात भी हमने देखे, मजर ये जो टिप्पी थे, क्या नाम था, अवैस मुजफ्फर टिप्पी, जो मुंह बोले भाई थे आसिफ जरदारी को, अब ये भी रिपोर्ट्स हैं। उजैर बलोच ने वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उन्होंने कहा जी आप नहीं लड़ेंगे। मैंने आपको बताया तस्वीरें सब की हैं उजैर बलोच के साथ, जफर बलोच भी डिसोन नहीं कर सकती क्योंकि जुल्फिकार हमेशा से करते हैं, इंडिविजुअल के तौर पर तो नहीं थे ना उजैर बलोच के साथ, तो छोटा भाई मानते, वो तो एक पार्टी के मतलब होम मिनिस्टर थे एक सूबे के। सादिया, फौरन तो जुल्फिकार मिर्जा को पकड़ लेना चाहिए था कि आपके भाई किस तरह थे, वो तो अभी भी कहते हैं, वो तो पकड़े जाने के बाद भी कहते हैं, जब सिंध के होम मिनिस्टर थे तो वो रहमान डकैत कत्ल हो या जफर बलोच कत्ल हो तो वो इसको टारगेट किलिंग क्या करते थे, खालिद शहनशाह होते थे जिनके कत्ल में पता नहीं को कड़ियां मिले, ये बिलावल हाउस के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, ये बकायदा रहमान डकैत को सपोर्ट करते रहे हैं, ये चीजें ओपन हैं। बट बात तो वही है ना एजाज साहब, जो आपने शुरू में कही कि जी कस्टडी में रख के आप जो मर्जी बयान ले लें उसकी हैसियत क्या है, सवाल तो ये उठता है, तो फिर क्या इन तमाम चीजों से, चाहे जितने मर्जी लोग पकड़े जाए, कस्टडी में ले लिए जाए, रिमांड हासिल कर लिया जाए, पलवा ली जाए चीजें, जब तक नतीजा सामने नहीं आएगा तो हम कैसे यकीन कर लें कि वाकई इस मुल्क से दहशतगर्दी या दहशतगर्दों को फाइनेंस करने वाले लोग, उनका साथ देने वाले लोगों का खात्मा हो रहा है? मैं फिर वो बात करूंगा कि शुरू करें दहशतगर्दों से। जहां जहां आपको कोई फाइनेंसिंग के हवाले से या सहूलतकारी के हवाले से आपको शवाहद मिलते हैं और वो सिरा किसी सियासी जमात के साथ जाके मिलता है तो जरूर वहां पर आप हाथ डालें, लेकिन जो ज्यादातर ये मामलात हैं जिनकी तरफ अभी साबर शाह साहब ने भी इशारा किया, ये मामलात हैं पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज के, पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग के मामलात हैं। इसके अंदर तमाम जमातें शामिल हैं, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। पीपल्स पार्टी का गवर्नेंस के हवाले से जो एक मायार रहा है वो तो आपके सामने ही है। इसमें मुतहदा भी शामिल है, मुतहदा की APMSO और जो IJT की जो लड़ाइयाँ हुई, जहाँ से ये सारा मामला जो है ये शुरू हुआ, वो मुतहदा को किसने सपोर्ट किया उस वक्त और किन जमातों को दबाने के लिए किया, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हुक्मरानों ने यहाँ पे बहुत सी ऐसी चालें चली हैं
और फिर ये उल्टी पड़ जाती है। और इस वक्त जो आप कराची में देख रहे हैं वो ये गुज़श्ता चार दहाइयों का जो मामला है ना, मैं सिंपल क्रिमिनलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, वो हर जगह पे होती है, लेकिन जो कराची की खास सूरत हाल जो पैदा हुई है कि उसमें किस तरीके से पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जमात इस्लामी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, मुतहदा को लेके आए, फिर मुतहदा को मारने की कोशिश की गई, फिर तो आपने दुरुस्त कहा कि वो चाले जो है वो उल्टी पड़ गई और दहाई में ये लेने के देने पड़ रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने रिपोर्टिंग भी की हुई है कि आपको पता है उस जमाने में आप देखेंगे मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के मामला क्या थे कराची के अंदर। तो ये चीजें जो है ना, ये खेल हम बहुत अरसे से खेल रहे हैं और उस अल्लाह करे कि खेल अब वाकई में जिस तरह दावा किया जाता है कि हमारी समझ में आ गया और हम इसको माजी की गलतियों को दुरुस्त करेंगे, ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हैदर साहब, साबिर शाह साहब और मज़हर अब्बास साहब, तीनों की तशरीफ आवरी का। हैव टू वाइंड अप हियर, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।